हेलो दोस्तों, आईटीआई इजी इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, डीएमआरसी, हरियाणा लाइनमैन इत्यादि एग्जाम जहां पर इलेक्ट्रिशियन के सवाल आते हैं, वहां पर हमारे ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में कह रहा है, 200 वोल्ट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, यह किस लैंप के समान है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इजकल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो आर दे के रखा, भी दिया, वोल्टेज दिया 200 वोल्ट गुने 200 बटा पावर दिया है यहाँ 100 वाट, तो नीचे 100, तो इससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2020 यहाँ 400 ओम रेजिस्टेंस का मान निकल गया इस बल्ब का 400 ओम, तो यहाँ 400 ओम लिख देंगे इधर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ बोल रहा है 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी दिया, वोल्टेज दिया है 100, 100 इंटू 100 बटा पावर निकालना है, तो उसको एक्स मानेंगे इक्वल टू, इधर आर का मान इधर 400 वोल्ट निकला तो इधर भी 400 वोल्ट ही देंगे क्योंकि दोनों बल्ब को समान, लैंप को समान करना है, तो इधर 400 ओम है निकला था तो यहाँ भी 400 निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये एक्स जो है यहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 400 नीचे आ जाएगा, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा 100 इंटू 100 बाई 400। तो 2 जीरो कटा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा पावर, आ जाएगा 25 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। नेक्स्ट है, दो नंबर में है, आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? तो तीन रेजिस्टेंस है, उसे किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो एक तो हो जाएगा तीनों को श्रेणी में जोड़ सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका हो जाएगा कि दो को श्रेणी में और एक को समानांतर में इनके जोड़ सकते हैं, और एक तरीका हो जाएगा कि दो को श्रेणी में और एक को इन दोनों के समानांतर में जोड़ सकते हैं, और एक तरीका हो जाएगा कि तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग चार प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक ये श्रेणी में और ये दो श्रेणी में और एक समानांतर में, और एक दोनों श्रेणी में और एक दोनों के समानांतर में, और एक ये तीनों पैरेलल में, तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, तो हम लोग चार प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है, तीन नंबर में है, चार पोल वाले डुप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में निम्न में से कितने समानांतर पथ होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वेव वाउंड में आर्मेचर में पथों की संख्या दो होती है और लैप वाउंड में पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में बहुत से लोग ये दो ट्रिक करके आ जाते हैं, तो हड़बड़ी में गलती से दो ट्रिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये डुप्लेक्स वेव वाउंड है, तो डुप्लेक्स वेव बाउंड में बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो उसमें एक चीज याद रहना चाहिए कि सिंप्लेक्स जब बोलेगा, सिंप्लेक्स वेव बाउंड, तो सिंप्लेक्स तो एक डुप्लेक्स, डुप्लेक्स
इज इक्वल टू टू ट्रीप्लेक्स इज इक्वल टू थ्री और क्वाड्रप्लेक्स इज इक्वल टू फोर, ये याद रहना चाहिए ये चारों, ठीक है, तभी बनेगा। तो इसमें डुप्लेक्स के बारे में बोला है, डुप्लेक्स वेव बाउंड, तो इसमें दो लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेव बाउंड में कि दो टू इंटू प्लेक्सों की संख्या, जब डुप्लेक्स वेव बाउंड में पूछ रहा है कितने होंगे, टू इंटू प्लेक्सों की संख्या प्लेक्सों की संख्या, तो हो जाएगा टू इंटू प्लेक्सों की संख्या, डुप्लेक्स बोला है तो डुप्लेक्स में दो होता है जानते हैं, तो दो इक्वल टू कितना हो जाएगा चार, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार। लेकिन जब लेफ्ट वाइंडिंग बोलेगा तो उसमें हो जाता है कि पोलो की संख्या इंटू प्लेक्स की संख्या, तो पोल की संख्या यहाँ चार दिया है इंटू डुप्लेक्स था तो फोर इंटू टू, तो यहाँ एट हो जाएगा। यदि लेफ्ट वाइंडिंग बोलेगा तो लेफ्ट वाइंडिंग में बोल डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग बोलेगा तो वहाँ आठ हो जाएगा आंसर, लेकिन डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग बोल रहा है तो आंसर ये होगा टू इंटू प्लेक्सों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर। नेक्स्ट है चार नंबर में कह रहा है एक्स वन और एक्स टू के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो यहाँ पर बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस दे के रखा है और इसके बीच में कह रहा है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसको यहाँ से ये शॉर्ट कर दिया, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया गया है, तो जो करंट होगा इधर से नहीं जा करके वो शॉर्ट रास्ते पर ही जाता है, तो इधर से ही जाएगा, यहाँ कोई करंट नहीं बहेगा इस रेजिस्टेंस, इधर सब इधर से ही चले जाएंगे, या शॉर्ट रास्ते पर ही करंट जाता है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में हम लोग जानते हैं कि करंट इक्वल टू होता है अनंत इन्फिनिट और रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है शॉर्ट सर्किट में जीरो और वोल्टेज होता है, वोल्टेज भी जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था तो रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा जीरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य। नेक्स्ट है अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तीन गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के कितनी हो जाएगी, तो इसको हीट के फॉर्मूला से निकालेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा, एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, तो कह रहा है करंट के मान को तीन गुना कर दिया गया है तो थ्री इंटू आई का होल स्क्वायर इंटू आर टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो ये कितना गुना हो गया, ये हो गया नौ गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौ गुना हो जाएगा। छः नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सर्किट में बिंदु ए और डी के मध्य प्रेरकत्व इंडक्टेंस होगा, तो इंडक्टेंस में हम लोग इसको भी रेजिस्टेंस की ही तरह सॉल्व करते हैं, तो ये देखने में तो लग रहा है श्रेणी में लग रहा है देखने में, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का एक सिरा और इसका एक सिरा एक साथ है तथा यहाँ दोनों का सिरा और इसका एक सिरा एक साथ है, तो पैरेलल के केस में होता है कि रेजिस्टेंस के जिसका तीनों रेजिस्टेंस का प्रारंभिक सिरा एक साथ तथा अंतिम सिरा एक साथ हो, तो यहाँ भी वही केस हो रहा है, तो ये पैरेलल में है, देखने में लग रहा है श्रेणी में है लेकिन यह है पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है कि हर इंडक्टेंस यहाँ दिया तीन हेनरी सब तीन हेनरी का दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, तो इसको एलसीएम आ जाएगा थ्री और वन प्लस वन प्लस वन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री बाई थ्री, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा इक्वल टू एक हेनरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
एक हेनरी। नेक्स्ट है सात नंबर में, कह रहा है यदि तरंग आकृति 2 मिलीसेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू 1/T, तो 1/ टाइम आवर्तकाल 2 मिली सेकेंड दिया है इसकी टाइम पीरियड, तो 2 मिली को लिखेंगे इंटू 10^-3 लिखते हैं मिली, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा ये जो 10^-3 है तो ये उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1000 बटा नीचे ये 2 है तो इसको काटिएगा 2 से कट जाएगा 500 बार में, तो हो जाएगा 500 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 हर्ट्ज। नेक्स्ट है आठ नंबर में, कह रहा है 2 फेराड और 3 फेराड धारिता के 2 संधारित्रों के को श्रेणी में जोड़ा गया है, 1 फेराड के तीसरे संधारित्र को उनके समानांतर में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता क्या होगी। तो इसको रेजिस्टेंस का, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है धारिता, तो इसको रेजिस्टेंस का ये उल्टा होता है, तो यहाँ पर श्रेणी बोल रहा है तो पैरेलल करके बना देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में बनाते हैं तो इसको, तो हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड का, तो हो जाएगा 1/2 + 1/3 एलसीएम लीजिएगा तो 6 = 2 से 3 बार में प्लस 3 से जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 3^2 = 5/6, तो ये पलट जाता है, ये ऊपर में 1 रहता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6/5। तो इस दोनों का श्रेणी का मान आ गया 6/5। फिर कह रहा है कि ये 1 फेराड का इसके समानांतर में जोड़ा गया है, तो समानांतर में बोलेगा तो फिर इसको जैसे श्रेणी में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो इसको कर देंगे 1 को श्रेणी में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 = 5 + 6 = 11 बटा ये नीचे 5 है 5, तो हो जाएगा 11/5 माइक्रो फेराड, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, ए में दिया है, ए है 11/5 माइक्रो फेराड। नेक्स्ट है 9 नंबर में, कह रहा है निम्न में से कौन सा लैंप अधिक करंट लेगा, तो अधिक करंट कौन लेगा, तो अधिक करंट लेगा जिसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा, जिस लैंप का वो अधिक करंट लेगा, तो आर का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, आर इजकल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वी के बटा इनवर्स प्रोपोर्शनल में पी के, तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ेगा, लेकिन जब पावर का मान बढ़ेगा तो आर का मान घट जाएगा, तो यहाँ पे करंट किसमें अधिक होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा, तो रेजिस्टेंस का मान किसमें कम होगा, जिसमें पावर का मान अधिक होगा, तो यहाँ पे अधिक मान का पावर कौन सा दिख रहा है, तो 100 वाट वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये अधिक करंट लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 वाट। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। 15 वाट 230 वोल्ट का एक बल्ब एक दूसरे बल्ब 60 वाट 230 वोल्ट के साथ सीरीज में जुड़ा है तथा दोनों एक 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं, कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कह रहा है कौन सा बल्ब तेज ग्लो करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर में जो अधिक वाट का बल्ब लगाते हैं, जैसे एक 60 वाट का बल्ब लगाएंगे और एक 100 वाट का लगाते हैं, तो जो अधिक वाट का रहता है वो ज़्यादा प्रकाश करता है, तो लेकिन हमारे घरों की वायरिंग जो होती है वो समानांतर क्रम में होती है, तो और यहाँ पर बोल रहा है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में जुड़ा है तो इसको बस यही ध्यान में रखना है, और सीरीज में बोलेगा तो जिसका वाटेज का मान कम होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है और जिसका वाटेज का मान अधिक होता है वो कम ग्लो करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वाट का बल्ब अधिक ग्लो करेगा श्रेणी में। तो
दोस्तों ये थे न्यूमेरिकल के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।